क्यों होते हो बोर, गाड़ियां घुमाएगा इधर एंगल में और हर गली में मचाएगा शोर, चोर की वीडियो में खो जाओ। तो ये देखो भाई, सबसे पहले तो यहाँ पर दो चुन्नू मुन्नू आ गए। अब पहले इनको ही आशीर्वाद देते तो भाई मुझे मिल गया डोगा। तो भाई मार इनको, तुझे किसने रोका? जब भी बंदा भागता दिखे तो खींच के मारो गोलियां, इस तरह से नो करो कि भाग जाए बिचोलिया। अब चुन्नू की तो माइनस लग गई थी भाई, तो मुन्नू की भी प्लस नहीं लगने देंगे। और भाई अब जो चुन्नू मुन्नू का तो भाई आते ही दाना पानी उठ गया था इरेंगल से, तो इनकी भौतिक किस्मत खराब थी शायद भाई। इनकी कुंडली में दोष था जो कि हमने निकाल कर फेंक दिया भाई, इनकी पेटियां चमका दी। और अब थोड़ी सी लूट करके आगे आते ना तो भी यहाँ पर बंदे थे और तबाही मचने वाली है भाई अब बहुत ज्यादा। लायक नहीं किल चोरों में। अब ये भाई साहब हमारे साथ भाई वन वर्सेस टू करने आए थे, लेकिन इसकी तो पेटी चमका दी और इसके चुन्नू मुन्नू टुन्नू को भाई गुस्सा आ गया। अब ये किसी की झूठी बीड़ी पीकर भाई एक एक करके आएंगे और पेट पर हाथ लगा कर जाएंगे। पहले अपने चार नंबर को आशीर्वाद दे दे, फिर इसकी पूरी टीम को खाएंगे। और ये देखो भाई, कपड़ों से तो ये पापा की परी लग रही थी, लेकिन था ये मम्मी का कॉकरोच। और इस तरह से भाई हमने इस टीम की ऐसी तैसी कर दी, सभी की पेटियों से धुआं उठा दिया। और जब हेल्थ कम होना तो बहुत मजा आता मुझे एनर्जी ड्रिंक पीने में, और अगर आते ही चार पांच की पेटियां ना चमका दे तो फिर क्या मजा है जीने में। वाह 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 वाह। और अभी इनको टपकाया था भाई, और अभी तक तो मुझे भी अच्छे से लूट नहीं मिली थी। और ये भाई साहब हमें ही लूटने आ गए। अगर ये नजारा देखकर मजा आया हो तो किल चोर की वीडियो अपने दोस्तों में बांट दो, जहां भी उतरो वहां लठ गाड़ दो, सबको टपका कर लूट लो उनकी पेटिया। शायरी लिखने का जब से शौक है, जब हाथ में थी सलेटिया। चलो आज एक बात और बताता हूँ, सैड शायरी से शुरुआत की पर आज दूसरों को हंसाता हूँ। कुछ ऐसे लोग मिले जो हमें भी रुला गए, चलो छोड़ दो यार हम भी तो अब ओ वाली दुनिया छोड़कर पबजी में आ गए। वैसे कैसी लगी भाई ये वाली शायरी? अगर पसंद आई हो ना तो लाइक के बटन पर लठ गाड़ दो भाई, और जो भी नए है ना सब्सक्राइब के बटन पर भी लठ गाड़ दियो। तो अब नोवो को खाली कर कर हम आगे जाने लग रहे थे। और ये देखो भाई हमारे साथ हो गया हादसा। अब यहां पर मैं इस बंदे को टपका देता तो पहले तो ये बोटनी आ गई, और भाई जब मैं इस बंदे को टपकाने लग रहा था ना तो क्या हुआ मेरे साथ ना गलीच हो गया, जिससे एक ही फायर हुई, मतलब एक ही एमो निकली। उसके बाद दोबारा क्लिक किया तो इतनी देर में भाई वो बंदा 9-2-11 हो गया और इसने हमारे चार नंबर को नोक कर दिया। लेकिन इसके साथ भाई अब बहुत बुरा होने वाला है, तो पहले मैं स्मोक करता हूँ यहाँ पर। और ये देखो भाई, जो ये रियल बंदा था ना इसको ना किसी बोट ने टपका दिया, जो मैंने नेट किया शायद भाई इसको उससे डैमेज मिला होगा, और कुछ मैंने पहले भी इसको डैमेज दिया। तो इसकी किस्मत खराब थी, बोट आ गया और बोट ने इसको टपका दिया। आपने किल फील्ड में देख ही लिया होगा, तो बहुत गलत हुआ भाई इसके साथ भी, और हमारे दो नंबर भी आ गए अब। बोट को दिखते ही हम देते हैं उसको मार, बोटनी भी देखकर रोने लग जाती है कि किल चोर को तो है बस चमकती पेटियों से प्यार। अब ये वही बोट था भाई जिसने हमारा रास्ता साफ किया था, तो पहले इसने हमारा रास्ता साफ किया, फिर मैंने इसका रास्ता साफ कर दिया, इसको टपका दिया। वैसे उस बंदे के साथ भाई बहुत ही ज्यादा गलत हुआ, जो भी हुआ हम तो खुश है लेकिन हमें वो किल नहीं मिला। और अब हम आगे जाने लग रहे थे, बंदे ढूंढने लग रहे थे, तो भाई पीछे से ना मुझे बग्घी दिखी, और हमारे ड्राइवर भैया पता नहीं भाई किस नशे में थे। तो एक तो देखो ये गाड़ी किस तरह से चलाने लग रहे थे,
और अभी ये देखो भाई ठोक दी भाई साहब ने, और मेरे पास ना 5 की एमओ ही नहीं थी, तो मैं इनको बोलता हूँ कि भाई दे दो हरी हरी गोलियां दे दो, लेकिन भाई मुझे ना किसी ने भी गोलियां नहीं दी। और एक एम से भाई मैं ये वाली फाइट नहीं ले सकता इतने अच्छे से। मुझे हरी हरी गोलियां ना देकर मेरे टीममेट्स ने की मेरे से दगा, और सामने वाली टीममेट ने 2 नंबर को दी सजा। तो ये भाई साहब वहां पर एनाकोंडा बनकर लेट गया, तो उसको तो डस लिया था और उसका जो है इरेंगल से दाना पानी उठ गया था भाई। तो इस तरह से फाइट लिया करो कि अगर आप नोक भी हो जाओ ना तो आप कवर में भी जा सको और आप रिवाइव भी ले पाओ। कोशिश किया करो भाई, मेरे पास एक भी एमओ नहीं थी तो यहाँ पर मुझे 30 मिल गई और इसमें ही खुश हो गया भाई मैं। अब यहाँ पर भाई मैंने इस वाले बंदे की तो ऐसी तैसी कर दी। अब ये मुझे बहुत ज्यादा शरीफ सोच रहा था कि नो करके छोड़ देगा, पूरा नहीं टपकाएगा, लेकिन इसको नहीं पता कि किल चोर नाम है अपना भाई, रेंगल के हर कोने में मचाई है हमने तबाही। अब ये वाला नेड किया भाई लेकिन कोई नहीं फटा भाई। अब एक बंदे की आवाज आने लग रही थी वहां से मटकने की, लेकिन हमारा टीममेट भाई उस साइड मार्क करता है कि यहाँ पर बंदा, तो मुझे लगा कि 2 बंदे और बचे हैं, तो जोन में यहाँ पर रहने का कोई भी फायदा नहीं था और मेरे पास एमओ भी नहीं थी भाई 5 की। तो मैं निकल जाता हूँ और 4 नंबर को बोलता हूँ कि भाई सर्कल सर्कल सर्कल, 5 रुपये 5 रुपये 5 रुपये, लेकिन ये भाई साहब बोले कि मेरे पास भाड़ा नहीं है। तो मैं बोला फ्री में आ जा, लेकिन मना कर दिया भाई इसने गाड़ी में बैठने से। तो अब इसको भी मुक्ति दे दी भाई उस भाई साहब ने, और इसका नाम याद रखना, इसने हमारे 2 नंबर की भी ऐसी तैसी की थी और 4 नंबर की भी ऐसी तैसी कर दी। वैसे 4 नंबर जो है अपनी गलती से मरा, जबकि मैं उसको लेकर जाने लग रहा था भाई, गाड़ी में बैठने से मना कर दिया। पता नहीं भाई मेरे साथ तो कोई गाड़ी में बैठकर भी खुश नहीं है। तो अब उनको टपकाने के बाद मैं आ गया यहाँ पर भाई। अब सर्कल बहुत ज्यादा छोटा बचा हुआ था और बंदे ढूंढने लग रहा था, और जब छोटा सर्कल बचा हो ना जो कि ओपन में हो, और अगर बंदे सांप बनकर लेट जाए, तो भाई आपको हीरो बनने की कोई भी जरूरत नहीं है। कहीं आप सोचो कि अगर वो एनाकोंडा बन गए तो हम सपेरे बनकर कैसी तैसी कर देंगे, तो अगर सर्कल छोटा है और सभी के सभी लेट गए तो आप भी लेट जाओ जब तक पता ना चले कि बंदे कहां पर है। अब इसका नाम देखो भाई, ये वही भाई साहब थे जिसने हमारे 2 नंबर और 4 नंबर को मुक्ति दी थी, उनका दाना पानी उठा दिया था इरेंगल से। तो मैं सोचता हूँ कि भाई इसके पास जो मुझे 5 mm की गोलियां मिल जाएगी, लेकिन ये भाई साहब मेरे से भी बड़ा गरीब निकला, इसके पास तो भाई गन भी नहीं थी 5 mm वाली। तो अब 2 बंदे बचे हुए थे, बुरा ना लगे किसी